देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नई दिल्ली मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर के सहयोग से 25 से 27 सितंबर 2024 तक होटल सयाजी इंदौर में स्मार्ट लाइब्रेरी इंस्पायरिंग एगेजिंग एनेबलिंग एंड कनेक्टिंग यूजर्स कम्युनिटीज फॉर बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज विषय पर ज्ञान पुस्तकालय और सूचना नेटवर्किंग के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का शुभारंभ एवं उद्घाटन डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव अध्यक्ष महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज द्वारा होटल सयाजी इंदौर में श्री के जयकुमार आईएएस अध्यक्ष डेलनेट प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप के पटनायक कुलपति मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर डॉक्टर संगीता कॉल निदेशक डेलनेट और आयोजन सचिव नैकलिन 2024 और डॉक्टर अनुराग कुमार खरे लाइब्रेरियन मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर और सह आयोजन सचिव नैकलिन 2024 की विशिष्ट उपस्थिति में बुधवार 25 सितंबर को किया गया। आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता कॉल निदेशक डेलनेट नई दिल्ली ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवर ने भाग लिया। सम्मेलन में लगातार 3 दिनों तक पुस्तकालयों और साइबर सुरक्षा चिंताओं में उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों सहित विषय और उपविषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही नवीन पुस्तकालय सेवाएं और उपयोगकर्ता जुड़ाव डिजिटल ज्ञान संसाधन और ज्ञान समितियों का निर्माण पुस्तकालयों मानव संसाधन विकास सार्वजनिक पुस्तकालय और सामुदायिक जुड़ाव सेवाएं पुस्तकालय संसाधन अधिग्रहण पुस्तकालय संसाधन साझाकरण कॉन्सोर्टियम प्रैक्टिस संसाधन आदि विषयों पर भारत के प्रख्यात पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विशेष अपने विशाल ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करेंगे। आपको बता दें कि डेलनेट भारत में प्रमुख संसाधन साझाकरण पुस्तकालय नेटवर्क है जो भारत के 36 राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों में 8,900 से अधिक संस्थानों को जोड़ता है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर नई दिल्ली में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। यह पुस्तकों ई पत्रिकाओं ई पुस्तकों ई लेखों आदि वाले लगभग 6 करोड़ अभिलेखों तक पहुंच प्रदान करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नैकलिन 2023 को अपने संदेश में डेलनेट की भूमिका की सराहना की और उल्लेख किया कि डेलनेट 3 दशकों से अधिक समय से पुस्तकालयों के नेटवर्क का विस्तार करने और ज्ञान साझा करने में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस तरह के प्रयासों ने एक समावेशी ज्ञान समाज के निर्माण और हमारे सूचना परिदृश्य पर बढ़ती मांगों को पूरा करने के सामूहिक संकल्प को मजबूत किया है। आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता कॉल निदेशक डेलनेट नई दिल्ली एवं आयोजन सह सचिव डॉक्टर अनुराग कुमार खरे लाइब्रेरियन मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि डेलनेट को इंदौर के स्मार्ट सिटी में और मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार नैकलिन 2024 का आयोजन करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर के साथ सहयोग करने में खुशी हो रही है। सम्मेलन की सिफारिशें आयोजकों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाएंगी जो भारत में स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट पुस्तकालयों के निर्माण में मदद करेंगी। क्या विषय पे आयोजित किया गया? ये 27वां जो नेशनल कन्वेंशन है ऑन लाइब्रेरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग, पिछले 26 साल से डेलनेट जो है दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 9,000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज को हम कनेक्ट करते हैं और ये पहली बार ये कॉन्फ्रेंस है जो मध्य प्रदेश में लाई गई और मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने आयोजन किया है 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 300 से ज़्यादा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स हैं पूरी इंडिया से आए हुए हैं, लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो डेलीब्रेट कर रहे हैं। जो मेन थीम है वो स्मार्ट लाइब्रेरीज के ऊपर है कि कैसे आज के समय में हम लाइब्रेरीज को अपना ज़्यादा स्मार्ट बनाएं और इसका इंदौर जैसे सिटी में महत्व ज़्यादा है। स्मार्ट सिटी है इंदौर, हम सबको मालूम है, पहली 20 सिटीज़ में ऐसे बना जो उसमें जो स्मार्ट सिटीज़ में गिना गया और आज के समय में बहुत ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से जो इतना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन लैंडस्केप है वो बहुत चेंज हो रहा है, जो यूज़र कम्युनिटी है हमें कनेक्ट करना है, इंगेज करके रखना है उनको, और भी ज़रूरत है कि लाइब्रेरीज को इंक्लूसिव बनाए, हर किसी के लिए लाइब्रेरीज हो, डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन है उनके लिए हमें लाइब्रेरीज को अपना ट्रांसफॉर्म करना है और सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है कि प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाए और इसीलिए ये जो 3 दिन का हमने पूरा प्रोग्राम किया है डिफरेंट टॉपिक्स इसमें हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स, क्या टेक्नोलॉजीज हो रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नबी हसन जी हैं जो चीफ लाइब्रेरियन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद अ ग्लोबल एक्सपीरियंस है उनको बाहर की दुनिया का जितनी बेस्ट लाइब्रेरीज है, और आज हमारा अभी जो मॉर्निंग के अंदर पहला सेशन हुआ इनॉग्रेशन के बाद में फोकस किया गया उन्होंने
फोकस किया कि कैसे बाहर की कंट्रीज़ के अंदर कितना टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज में और कैसे हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर नबी हजन से, यहाँ पर उपस्थित क्या कहना चाहेंगे? ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो इमर्जिंग ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज हैं, जो लाइब्रेरी में नई नई टेक्नोलॉजी नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम अपने पुस्तकालय में, हम अपने कॉलेज में, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारे पास काबिलियत है लेकिन हमें कई बार समझ में नहीं आता उनको कैसे इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी के, इवन बिना खर्च किए हुए भी। हर चीज़ के लिए फंड्स नहीं चाहिए। तो ये जो डेलनेट जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके 9000 से ऊपर मेंबर हैं और ये हमारे साउथ एशियन कंट्री तक में इसकी मेंबरशिप है, उनके प्रयास से यहाँ जो 250-300 से ऊपर लोग आए हुए हैं उनको ये बताने की और सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं, जो AI है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, जो गेमिंग है लाइब्रेरीज़ में, इनका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ ताकि हम लाइब्रेरी में जो सेवाएँ हैं हमारे यूज़र जो आते हैं उनको कैसे बेहतर सेवाएँ दें, हम अपने संस्थान की रैंकिंग कैसे बढ़ाएँ, हम अपने कॉलेज को और कैसे ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा एक प्रयास है और ये 27वां एक कन्वेंशन है जिसको NACLIN हम कहते हैं। 26 इससे पहले हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी ये ब्रांड है, इनके कॉन्फ्रेंस NACLIN के बहुत ही रिप्यूटेड होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं। तो आई थिंक इसमें जो लोग हैं उनको एक बहुत कुछ ले जाने के लिए यहाँ से मिलेगा कि वो इन टेक्नोलॉजी को जो हम यहाँ विषय सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो यहाँ जो समझा रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल लाइब्रेरीज में अपने यूज़र्स को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नबी हसन हूँ, IIT दिल्ली का हेड लाइब्रेरियन हूँ और पिछले 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA से मेरी फेलोशिप है और मेरा तकरीबन दुनिया की सभी अच्छी लाइब्रेरीज में जाना हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ उन सब टेक्नोलॉजीज़ को हमारे ये पार्टिसिपेंट किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा कुछ खर्च किए हुए, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज आजकल फ्री भी हैं, ओपन सोर्स भी हैं, जिसमें आपको समय थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है और उसके बाद सेवाएँ देने के लिए अपने यहाँ अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में इस्तेमाल करना। धन्यवाद। NACLIN विश्वविद्यालय हमेशा से इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें डेलनेट का इसमें सहयोग मिला है, जो मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम स्मार्ट लाइब्रेरी है, तो मध्य प्रदेश में अच्छी बहुत आवश्यकता है। डेलनेट ने मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के साथ इस मध्य प्रदेश और इंदौर का वेन्यू चुना है, तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत सहायक होगी। जो भी हमारे बच्चे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल हैं जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये NACLIN 2024 का आयोजन है। वो इसमें अटेंड कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी काफ़ी लोग आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है जो पहली बार इंदौर में हो रहा है। सर, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किस तरह इसका महत्व इम्पोर्टेंस है? पब्लिक लाइब्रेरी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का आप यूज कर सकते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी इंदौर में भी हैं, उसको कैसे अच्छा बनाया सकता है, उसमें कैसे हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो भी आप बता सकते हैं। इसमें पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखा गया है जिसमें वो लोग स्पीकर आएंगे जो पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनुराग खरे हूँ, मैं लाइब्रेरियन हूँ मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में, पिछले 25 साल से मैं वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ NACLIN 2024. And this conference is, being held on an interesting theme, state-of-the-art theme, which is called the Smart Libraries, Designing Smart Libraries, and all that is going to, build such a smart libraries is to enabling communities. So there was a time when libraries were sought after for just consuming knowledge. Now at this moment, people come to these libraries for creating knowledge, or libraries will have to provide such an ambience
and a condition in which they can create knowledge or construct knowledge or co-create knowledge. So for this purpose, I think libraries are playing as a community hub, not just as a place where books and documents are kept. So I am very happy to be part of this conference. I am Sonu Sood and you are watching HD News. नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।